हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? हैप्पी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स. आज का ये जो लेसन है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन होने जा रहा है, बहुत ही यूजफुल लेसन होने जा रहा है माउथ ऑर्गन बिगनर्स के लिए, माउथ ऑर्गन लर्नर्स के लिए. आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि आज इस लेसन में फ्रेंड्स, मैंने जितने सारे लेसन बनाए हैं अब तक यूट्यूब पे, ठीक है, सबका जो निचोड़ है, सबका जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, सबका जो मेन फीचर्स है, उसको मैं आज एक साथ इस लेसन में देने जा रहा हूँ, ताकि आपको एक ही लेसन में सब लेसन का जो समरी है वो मिल जाए. मैंने इतने सारे लेसन बनाए हैं फ्रेंड्स यूट्यूब पे, तो क्या हुआ है, सब बिखरा हुआ है. तो जो लर्नर्स हैं, बिगनर्स हैं, उन्हें खोजने में बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है. तो वो शायद एक लेसन देख पाते हैं, दो लेसन देख पाते हैं, लेकिन इतने सारे लेसन वो एक साथ नहीं देख पाते हैं. तो मैंने सोचा कि उन लेसन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो मैंने सीक्रेट्स बताए हैं उसमें, जो ट्रिक्स बताए हैं, सबको एक ही साथ में लेके बस इस लेसन में आपको दे सकूँ, ठीक है. तो इसलिए फ्रेंड्स, ये लेसन लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज मैं कुछ ऐसी बातें शेयर करने जा रहा हूँ जो मैंने पहले किसी लेसन में शेयर नहीं किया है, ठीक है. और मेरी बातें आप ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आज मैं आपको बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ बोलने जा रहा हूँ. अगर वो चीज़ आपने दिमाग में बैठा लिया, तो आपके लिए माउथ ऑर्गन सीखना बहुत ही आसान हो जाएगा फ्रेंड्स, बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है. तो शुरू करता हूँ फ्रेंड्स. समझ लीजिए कि आपके पास एक दोस्त आया है, ठीक है. वो बहुत ही नीडी है, बहुत ही उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है. तो आपने सोचा कि ठीक है, इसकी मदद किया जाए. आपने उसे 1000 रुपये दे दिए, ठीक है. तो वो चला गया, उसकी ज़रूरत पूरी हो गई, 2 दिन के लिए उसकी ज़रूरत पूरी हो गई, ठीक है फ्रेंड्स. फिर 2 दिन बाद फिर वो आपके पास आया, फिर वो कहता है कि मुझे फिर कुछ ज़रूरत पड़ी है, तो मुझे पैसे कुछ ज़रूरत है. तो आपने फिर उसे 500 रुपये दे दिए, ठीक है. तो फिर वो चला गया, 3 दिन बाद फिर उसे ज़रूरत पड़ी पैसे की, फिर वो आपके पास आया, फिर आपने उसकी मदद करने की कोशिश की, आपने फिर उसे कुछ 200-300 रुपये दे दिए, ठीक है. तो ऐसे क्या है फ्रेंड्स, देखिए, आपने उसकी मदद किया, लेकिन वो टेम्प्रोरी आपने मदद किया, क्योंकि उसकी ज़रूरत 500 रुपये में, 1000 रुपये में पूरी नहीं होगी, ठीक है. तो फिर उसको जब ज़रूरत होगी, तो फिर वो उसके पास आ रहा है. तो अगर आप उसे ऐसा कुछ मतलब दे दें, ऐसा कुछ गिफ्ट दे दें, ताकि उसे पैसों की, मतलब आपके पास बार बार पैसे मांगने की ज़रूरत ही ना हो, उसकी सब ज़रूरत पूरी हो जाए, तो क्या होगा, वो सबसे अच्छा गिफ्ट होगा अपने दोस्त के लिए. और फिर वो आपको बार बार आके डिस्टर्ब ही नहीं करेगा, वो भी खुश रहेगा, आप भी खुश रहेंगे, ठीक है. तो ये बार बार पैसे देने की जगह, अगर आपने उसे एक नौकरी दिला दिया, ठीक है, अगर आपने एक नौकरी दिला दिया, तो नौकरी से वह कमाता रहेगा, उसकी ज़रूरत पूरी होती रहेगी, और वो ज़िंदगी भर, मतलब उसकी ज़रूरत पूरी होती रहेगी उस नौकरी से, ठीक है. तो ये क्या हुआ, ये परमानेंट सोल्यूशन हो गया, ये परमानेंट आपने उसे एक सोल्यूशन दे दिया, आपने उसे कुछ ऐसा कुछ सिखा दिया जिससे उसकी ज़रूरत पूरी ज़िंदगी भर के लिए पूरी हो. तो एक आप ये दिमाग में रखिए. सेकेंड है फ्रेंड्स, सोचिए कि आपको स्पेलिंग मतलब जाननी है. इतने सारे वर्ड्स हैं, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ वर्ड्स हैं, आप सबकी स्पेलिंग आप जानना चाहते हैं, ठीक है. तो इसका एक मेथड है कि आप हर एक वर्ड का स्पेलिंग अपने टीचर से सीख लें. जैसे हॉर्स का स्पेलिंग आपको जानना है, ठीक है. तो आपने समझ लीजिए, आप ABCD कुछ नहीं जानते, अल्फ़ाबेट्स कुछ नहीं जानते, बस आप हॉर्स का स्पेलिंग जानना चाहते हैं. तो टीचर आपको बता देगा हॉर्स का स्पेलिंग HORSE. आपने इसे 10 बार रट लिया, HORSE, हॉर्स आपने जान लिया, ठीक है. अब कोई भी पूछेगा हॉर्स का स्पेलिंग, आप बता देंगे हॉर्स. फिर आपको कैट की स्पेलिंग जाननी है, टीचर ने बता दिया CAT, कैट, कैट आप जान लिए. एलिफेंट की स्पेलिंग जान लिया, टीचर बता दिया ELEPHANT, आपने उसे 10 बार याद कर लिया, एलिफेंट का स्पेलिंग आपको याद है. इस तरह करते करते आप 100, 1000, 2000 इस तरह के आप याद कर सकते हैं, ठीक है. लेकिन इतने मिलियंस ऑफ वर्ड्स हैं, ठीक है, सब के स्पेलिंग अगर आप याद करने चाहेंगे, तो आप ज़िंदगी आपकी पूरी गुजर जाएगी, आप याद नहीं कर पाएंगे, ठीक है. तो ऐसा अगर कोई मेथड मिल जाए जिससे मुझे हर एक स्पेलिंग को याद करने की ज़रूरत न पड़े, मैं अपने आप उस वर्ड का क्या स्पेलिंग होगा मैं खुद बना लूँगा, ठीक है. तो ऐसा अगर मेथड आपको मिल जाए, तो आपकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी. तो आप कोई भी वर्ड अगर आपको स्पेलिंग जानना है या बताना है, तो आप अपने माइंड में उस मेथड को अप्लाई करके आप स्पेलिंग जान सकते हैं. तो कौन सा मेथड अच्छा है फ्रेंड्स, बताइए मुझे कि ऐसा कोई मेथड जिससे आप किसी भी स्पेलिंग को अपने दिमाग में बैठा के बता सकें, या फिर हर एक वर्ड के स्पेलिंग को टीचर से जान के उसे याद करके जानना, ठीक है. एक ये मेथड हुआ, या फिर जो पहला जो मैंने एग्जांपल दिया था, कौन सा मेथड अच्छा है. आप अपने फ्रेंड्स को हर रोज़ आप पैसे दे के उसे हेल्प कर रहे हैं, या फिर आपने उसे नौकरी दे दिया. ऑफकोर्स आपने जो नौकरी दे दिया वो परमानेंट है. यहाँ भी ऑफकोर्स अगर आपने उस बच्चे को ABCD सिखा दिया, ठीक है,
और आपने बता दिया हर एक अल्फ़ाबेट का, आपने उसका जो साउंड है वो बता दिया। जैसे बी का साउंड आपने बता दिया, बी माने ब, ब से बी से ब आवाज़ निकलती है, एच से ह आवाज़ निकलती है, आर से र आवाज़ निकलती है। आपने उसे हर एक अल्फ़ाबेट बता दिया और अल्फ़ाबेट की आवाज़ आपने उसे पहचान करा दी। तो क्या होगा फ्रेंड्स, वो देखिए, अगर हॉर्स का स्पेलिंग उसे आप बताना है या जानना है तो क्या करेगा, वो जानता है कि हॉर्स एच से ह निकलता है, तो हॉर्स, तो मुझे एच, फिर क्या ह, ओ किससे निकलेगा, ओ से निकलेगा, तो एच ओ, फिर हॉर्स र, र है हॉर र, तो र किससे निकलेगा, आर से निकला, तो एच ओ आर, फिर हॉर्स स, स किससे निकलेगा, एस से निकलेगा और ई। तो वो अपना अल्फाबेट बैठा के, आवाज़ को बैठा के वह हॉर्स बता देगा, ठीक है। डॉग, अगर स्पेलिंग वो नहीं जानता है, आपने मेथड बता दिया कि डी आपने बता दिया, सी बता दिया, ए बता दिया, बता दिया, और डी का आपने आवाज़ बता दिया, ओ का आवाज़ बता दिया, जी का आवाज़ बता दिया, तो बैठा लेगा डॉग, ड, ड से डी से ड आवाज़ निकलता है तो डी होगा, डॉग ओ, ओ ओ से निकलेगा, और ग, ग किससे निकलेगा, जी से निकलेगा, तो डी ओ जी वो बैठा लेगा, ठीक है। तो यही फंडा है फ्रेंड्स माउथ ऑर्गन बजाने की, ये आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, देखिए हर एक गाने की अगर आप बजाना चाहते हैं, अगर आप नोटेशन मांगते हैं, ठीक है, तो जैसे है अपना दिल आवारा, मैंने आपको नोटेशन दे दिया, आपने नोटेशन देख देख के गाना बजा लिया, बस आपने सिर्फ वही गाना बजाया, फिर दूसरा गाना आ जाएगा, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, फिर आप नोटेशन के लिए दौड़ेंगे, आप पूछेंगे सर इसका नोटेशन क्या है, फिर वो नोटेशन मैं बताऊंगा, फिर आप उसे गाना सीख लेंगे। इस तरह से आप कितने गाने सीखेंगे, कितने गाने की नोटेशन आप मांगेंगे, ठीक है, हजार हजार गाने, मिलियंस गाने हैं, कितने गाने। तो ऐसा अगर आपको कोई मेथड बता दिया जाए जिससे आप खुद ही गाने को खुद ही आप मतलब बजा पाएंगे, अगर आपने आवाज़ आपको बता दिया जाए बॉक्सेस की, माउथ ऑर्गन के जो बॉक्सेस हैं, आवाज़ बता दी जाए और आवाज़ों को पहचान करा दी जाए, तो आप कोई भी गाना आप खुद ही निकाल सकते हैं विदाउट नोटेशन। तो कौन सा मेथड अच्छा है फ्रेंड, हर एक गाने का नोटेशन देख देख के एक एक गाना सीखना, या फिर ऐसा कोई मेथड सीख जाना जिससे आप कोई भी गाना विदाउट नोटेशन बजा सकते हैं, क्योंकि आपको वो ट्रिक पता चल गया है जिससे आप कोई भी गाना निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं फ्रेंड्स सेकेंड मेथड जो है जिससे आप कोई भी गाना निकाल सकते हैं, मैं उस मेथड में मैं यकीन रखता हूँ, क्योंकि नोटेशन वाले मेथड से आप हर एक गाने नोटेशन से सीखेंगे, करते करते कितने गाने आप सीखेंगे, ठीक है। तो मेरा जो मेथड है फ्रेंड्स जिससे आप कोई भी गाना सीख सकते हैं, वह यही मेथड है कि जैसे मैंने हॉर्स वाला आपको एग्जाम्पल दिया, अगर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम ओ पी क्यू, आपने 26 अल्फ़ाबेट्स आपने जान लिए और हर एक अल्फ़ाबेट का आपने आवाज़ पहचान लिया, ठीक है, तो कोई भी स्पेलिंग आप बना सकते हैं। ठीक इसी तरह से अगर आपने हर एक होल्स में सा रे गम प ध नि सा कहाँ से बजेगा ये आपने जान लिया, और हर एक देखिए तीन ऑक्टिव है, लोअर ऑक्टिव, मिडिल ऑक्टिव, हायर ऑक्टिव, तीनों में सा रे गम प ध नि सा बजेगा, तीनों ऑक्टिव में सा रे गम प ध नि सा का जो आवाज़ है वो अलग अलग है। अगर आपने ये आवाज़ पहचान लिया, कहने का मतलब कि हर एक होल्स में हर एक होल का आपने आवाज़ पहचान लिया, ठीक है, तो अब कोई भी गाना होगा आप उस, क्योंकि आवाज़ आपने पहचान लिया है तो गाने का ट्यून आप जानते हैं, तो उस ट्यून के हिसाब से आप आवाज़ को निकाल सकते हैं। जैसे आपने डॉग का स्पेलिंग निकाल लिया, हॉर्स का स्पेलिंग निकाल लिया, कैसे, अल्फ़ाबेट जान के और अल्फ़ाबेट की आवाज़ जान के। तो यहाँ भी फ्रेंड्स होल्स में कौन होल में सारे गम पद सा बजेगा ये आपने जान लिया, फिर हर एक होल्स की कौन सी आवाज़ निकल रही है खींचने पर फूकने पर वो आपने पहचान लिया, तो आप कोई भी गाना आराम से निकाल सकते हैं, इसमें तकलीफ क्या है। तो इसके क्या करना है फ्रेंड्स, यही करना है कि पहले माउथ ऑर्गन आपको एक खरीद लेना है, खरीदने के बाद ऐसा कोई माउथ ऑर्गन खरीदिए जो कि थोड़ा सा अच्छा फ्रेंड अबव 500 रुपीज़ की आप माउथ ऑर्गन खरीदिए, और 24 होल्स की माउथ ऑर्गन खरीदिए, क्योंकि 24 होल्स में तीनों ऑक्टेव प्रेजेंट होते हैं और गाना बजाने का रेंज बहुत ज़्यादा हो जाता है, आप मैक्सिमम गाने बजा सकते हैं 24 होल्स में। 10 होल्स का मत खरीदिए, 12 होल्स का मत खरीदिए, 16 होल्स मत खरीदिए, आप 24 होल्स का कोई माउथ ऑर्गन खरीदिए अबव 500 रुपीज़ का, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कहाँ से मोटी आवाज़ निकल रही है, कहाँ से पतली आवाज़ निकल रही है, जहाँ से मोटी आवाज़ निकल रही है वो आपको हमेशा बाएं साइड में रखना है, और पतली आवाज़ जहाँ निकल रही है हमेशा राइट साइड में रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सा रे गम प ध नि सा प्रैक्टिस करना है तीनों ऑक्टिव में, लोअर ऑक्टिव में, मिडिल ऑक्टिव में, हायर ऑक्टिव में, ठीक है। तो मिडिल ऑक्टिव में मैंने क्या बताया था फ्रेंड्स, फिर से मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं आपको समरी बता रहा हूँ। तो 9 नंबर होल से आपको फूकना शुरू करना है, 9 नंबर यहाँ से गिन लीजिए,
जहाँ से मोटी आवाज़ निकल रही है उसे आपको बाएं साइड रख के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नौ नंबर का जो होल है वहाँ जब आप फूकेंगे तो सा निकलेगा, फिर 10 नंबर होल में जब आप खींचेंगे तो रे निकलेगा, फिर आप 11 नंबर होल में जब फूकेंगे तो ग निकलेगा, फिर 12 नंबर होल में जब खींचेंगे म निकलेगा, फिर 13 नंबर होल में जब आप फूकेंगे तो प निकलेगा, फिर 14 नंबर होल में जब आप खींचेंगे तो ध निकलेगा, 14 नंबर में ध, फिर आपको एक होल स्किप कर जाना है, 15 में नहीं 16 में आके आपको फिर से खींचना है, नी निकलेगा नी, फिर 15 में आपको आके फूकना है सा निकलेगा, ठीक है। तो ये हो गया फ्रेंड्स लोअर ऑक्टेव सॉरी मिडिल ऑक्टेव में सा रे ग म प ध नि सा बजाने का टैक्टिस, ठीक है। ये आपको पहले प्रैक्टिस करना है, सा रे ग म प ध नि सा, कहने का मतलब आपको ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू वाई जेड, ये आपको पहले सीख लेना है। उसके बाद आपको लोअर ऑक्टेव में, ये लोअर ऑक्टेव में भी 1 से लेकर 8 में सा रे ग म प ध नि सा बजेगा ठीक उसी तरह से जैसे मिडिल ऑक्टेव में बजा है, ठीक है, वो आपको प्रैक्टिस कर लेना है। फिर आपको हायर ऑक्टेव में जो कि 17 से लेकर 24 के बीच में बजेगा ठीक उसी तरह से जैसे मैंने मिडिल ऑक्टेव में आपको बताया, ठीक है, पहले फूकना है फिर खींचना है फिर फूकना है फेंकना है फिर ध और नी में दोनों में खींचना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आप तीनों प्रैक्टिस कर लेंगे तो कहने का मतलब आपको हर एक होल्स की आवाज़ आपको पहचान हो रही है, ठीक है, हर एक होल्स में कैसी आवाज़ निकल रही है आप पहचान हो रही है, आपके ब्रेन में रिकॉर्डेड हो रहा है, ठीक है। जब ये आपका रिकॉर्डेड हो गया ब्रेन में, हर एक होल्स का आपने आवाज़ पहचान लिया, कहाँ से सारे गाने बज रहा है ये आपने जान लिया, तो कोई भी गाना का ट्यून है आप तुरंत निकाल पाएंगे क्योंकि आपका ब्रेन ने आवाज़ को पहचान लिया है। अब अगर आप गाने का ट्यून जानते हैं तो उसी हिसाब से आप अपने माउथ को उसी तरह से आप घुमाएंगे, आपका ब्रेन उसी तरह से आपको घुमाएगा, उस जगह ले जाएगा जहाँ से गाने का ट्यून निकलता है। ये फ्रेंड्स ऑटोमेटिक होगा, ये सबकॉन्शियस माइंड में होता है, ये इसमें जैसे आप गाड़ी चलाते हैं फ्रेंड्स या साइकिल चलाते हैं, शुरुआत में आप ऐसे बैलेंस करते करते अचानक आप साइकिल चलाने लगते हैं, ठीक है, इसमें क्या मेथड है, ऑटोमेटिक आ जाता है ना, तो ये भी फ्रेंड्स ऑटोमेटिक आता है। तो नोटेशन वाला चक्कर आप भूल जाइए फ्रेंड्स, क्योंकि नोटेशन से क्या होगा, हर एक गाना आपको तब नोटेशन से सीखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मेरा ये जो मेथड है फ्रेंड्स, इन मेथड से आप कोई भी गाने तुरंत बजा सकेंगे विदाउट एनी नोटेशन, क्योंकि ये परमानेंट मेथड है, ठीक है। मैंने इसी मेथड से सीखा है फ्रेंड्स और मैं चाहता हूँ आप भी इसी मेथड से सीखें। आज मुझे आप कोई भी गाना बता दीजिए, मैं बस 2 मिनट में वो गाना निकाल लूँगा विदाउट एनी नोटेशन, क्योंकि मुझे हर एक होल्स का नेचर पता चल गया है, हर एक होल्स में कैसी आवाज़ निकलेगी ये मेरे ब्रेन में रिकॉर्डेड हो गया है। अब गाने का जब मैं ट्यून जान जाता हूँ, गाने का ट्यून जब जाता हूँ तो उसी हिसाब से मैं इसे बजाता हूँ। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आवाज़ देखिए, मोटी आवाज़ से जितनी आप दाएं तरफ जाते हैं पतली आवाज़ होती है, ठीक है। तो गाने का कोई भी गाना बजाने के लिए, जब ये सब आप प्रैक्टिस करने के बाद कोई भी गाना बजाने के लिए स्टार्टिंग क्या होल होता है वो आपको पहले पता कर लेना है, कहाँ से गाना शुरू होगा फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे है अपना दिल, तो मुझे पता चल गया ये 6 नंबर होल स्टार्टिंग होल है, 5 नंबर होल स्टार्टिंग होल है, ठीक है। उसके बाद गाना का पिच अगर हाई होता है, गाना अगर ऊंचे स्वर में जाता है तो आपको दाहिने तरफ मूव करना है, और गाने का पिच अगर लो स्वर में आता है तो आपको बाएं तरफ मूव करना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग होल से गाने के पिच के अनुसार, गाने के हाई होता है या लो होता है उस अनुसार आपको राइट साइड या लेफ्ट साइड मूव करना है, बस यही फंडा है फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसे आप फ्रेंड प्रैक्टिस कीजिए, आप नोटेशन भूल जाइए, बस ये जो मैंने मेथड बताया आप लोअर ऑक्टेव मिडिल ऑक्टेव हायर ऑक्टेव में सारे गाने पर से अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लीजिए 10-15 दिन, फिर आप कोई भी गाना आप आराम से बजा सकेंगे। बस आपको स्टार्टिंग होल कौन सा है, स्टार्टिंग होल पता लगा लीजिए, उसके बाद आप गाने के पिच के अनुसार दाएं तरफ या बाएं तरफ मूव कीजिए, हायर पिच है तो दाएं तरफ, लोअर पिच है तो बाएं तरफ, इस तरह से आप गाने को गा सकें, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो मुझे बताइएगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि फ्यूचर में जो भी मैं लेसन आता रहूँ और तक पहुँचता रहे, आप अच्छे माउथ में प्लेयर बने, खुश रहें, ठीक है। टिल द नेक्स्ट लेसन फ्रेंड्स, बाय बाय।